तो अभी नीलकंठ से नीचे उतरे हैं और सामने है गंगा जी, आप देख सकते हैं। कुछ लोग थोड़ा यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो पांव फिसल गया तो शायद मिले नहीं दोबारा, तो बहुत रिस्की है। और गंगा जी का वेग देख रहे हो आप कितना तेज है। अभी यहाँ पे राफ्टिंग और ये सब कुछ बंद हो चुका होता है, ऊपर पहाड़ों में बहुत बारिश हो रही है, सारी नदियाँ उफान पर है और सारी नदियाँ मिलके गंगा जी का रूप धारण करती है, देवप्रयाग से अलकनंदा, भागीरथी और जाने कितनी छोटी छोटी नदियाँ जैसे पिंडर, काली गंगा, कितनी नदियाँ, नयार नदी मिलती है। ये गंगा जी का वेग है, और अगर आप देख रहे हो तो ये सारा, कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी वो थोड़ा सा भी पांव फिसला तो सीधा नदी में। ये ऋषिकेश से थोड़ा सा पहले है, शिवपुरी बोलते हैं इसको, सामने बद्रीनाथ हाईवे है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा इसमें अभी, लेकिन हाँ ये वाला पोर्शन, ये जो देख रहे हो ये वाला सामने सामने जो दिख रहा है आपको ये वाला, और सीधा ये देखिए बद्रीनाथ हाईवे, आपको गाड़ियाँ भी दिख रही होंगी, मैं जूम करके देखता हूँ थोड़ा, ये सामने, तो ये हमारी माँ गंगा सामने, सूर्य उदय हो चुका है। और मैं बता नहीं सकता कि लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े बोल्डर शायद ये नदी में बह के आए होंगे, जब इसमें 2013 में बाढ़ आई थी तो ये काफी ऊपर तक पहुंच गया था। ये ऊपर कोहरा, कोई कमी नहीं है व्यू की, और यहाँ पे बैठ के तो पूरा दिन भी आप बिता सकते हो गंगा की लहरों को देख के। जय गंगा मैया, पानी देख रहे होंगे आप, असीमित पानी है। इतना वेग है पानी में, इतना तेज है, कुछ लोग बहुत रिस्क उठा रहे हैं यहाँ पे जिनको ये लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी पांव फिसला किसी का तो मिलेगा नहीं शायद। थैंक यू, वीडियोस बनाता रहूँगा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। मैं फ़ोन से ही वीडियो बनाता हूँ तो ज़्यादा एडिटिंग करता नहीं हूँ और ना ही इतना टाइम हो पाता है मेरे पास। हाँ जब भी कहीं जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कुछ मूवमेंट्स होते हैं जो उनको कैप्चर करके यूट्यूब पर डाल दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू। गंगा मैया की जय, जय भोलेनाथ।